वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का। ये किचन है एंड थैंक्स फॉर स्पॉन्सर्ड बाय ग्लैम गैस, जिनके स्टोव जबरदस्त है, तमाम होम अप्लायंसेस दी बेस्ट। एंड इनके स्पेशली जो स्टोव है वो मैं ये तारीफ करूंगी कि एक तो बर्तनों को खराब नहीं करते, काला नहीं करते, और इनके स्टोव पर जंग नहीं लगता, और बहुत आराम से आप स्टैंड उठा के इसको इजीएस्ट क्लीन कर सकते हैं। गुड हो गया। अच्छा जी, हमारे इधर मन शेफ शाहिना सुमाइल मौजूद हैं। मुझे नहीं बोलने देगी लड़की। वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं पूछूंगी कहाँ से आए ये झुमके, क्या कह रही है ये झुमके, कौन सी जगह से ली ये झुमके, नहीं बताऊंगी। अच्छा जी, अब ये बताएं डिश कौन सी बन रही है। अच्छा जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, और अपना फीडबैक जो है गुड मॉर्निंग विद सभी के पेज पे भी दिया करें, और शेफ शाहिना का यूट्यूब चैनल है उस पर भी जाके अपना फीडबैक दिया करें, और शेफ शाहिना का फेसबुक चैनल भी है उस पर भी जाके, शेफ शाहिना शुमाइल इस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो लेट्स गेट स्टार्ट आवर रेसिपी। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डिश का नाम है चिकन टिक्का कढ़ाई। चिकन टिक्का कढ़ाई, जरा एक एक स्टॉल लिख दीजिएगा, चिकन टिक्का कढ़ाई। अच्छा, पता चले ना बन क्या रहा है। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से? अच्छा, मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती चलूं, और यहाँ मेरे पास ये चाट मसाला मौजूद है, ये 1 टेबल स्पून है। चाट मसाला की लाल मिर्ची, ये चाट का मसाला लग रहा है। ओह सॉरी, वो लाइट इतनी बढ़ रही थी। एग्जैक्टली, हाँ। अच्छा, यहाँ मेरे पास ये 1 टेबल स्पून चाट मसाला मौजूद है, और ये मैंने ना हैंड से क्रश किया है। क्यों हुआ है? मतलब क्या, मैंने प्लेट आगे पीछे की, मैं कहूँ मतलब मैंने इस साइड रखा था, और ये शिफ्ट हो गया बेचारी। इट्स ओके, चले जी। अच्छा, और यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून तकरीबन जो है ना गरम मसाला, हाथ से जीरा, काली मिर्ची और लौंगे, गुड, यहाँ मैंने इसको क्रश करके रखा है। और ये 1 टेबल स्पून अगेन चाट मसाला है, बहुत जायके वाला, और 1/2 टीस्पून यहाँ गार्लिक पाउडर मौजूद है, पिंच ऑफ रेड फूड कलर मौजूद है, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून मौजूद है, और अदरक का पाउडर है 1/2 टीस्पून, और पिसी हुई काली मिर्चें मौजूद है मेरे पास 1/2 टीस्पून, ठीक है, और व्हाइट पेपर दक्षिणी मिर्च यानी कि 1/4 टीस्पून मेरे पास, यानी कि आप एक चुटकी ले सकते हैं। हाँ, हाँ, तो, मेरे घर में एक चुटकी, हाँ, है, एक चुटकी के व्हाइट पेपर दक्षिणी मिर्च पिसी हुई मौजूद है। नमक यहाँ पे आप हसबे जायका ले सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च मैंने 1 टेबल स्पून ली है, आप इसको भी कम ज्यादा कर सकते हैं। टेस्ट हसबे जायका जी। हल्दी मेरे पास यहाँ 1/2 टीस्पून मौजूद है, और क्रश चिली फ्लेक्स मेरे पास यहाँ, कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, यहाँ मेरे पास 1 टेबल स्पून के तकरीब मौजूद है, सूखा धनिया, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून यहाँ मेरे पास मौजूद है, ओके, पिसा हुआ गरम मसाला मेरे पास 1/2 टीस्पून यहाँ पे जो मार्केट वाला होता है पैकेट्स में जो आता है वो मेरे पास मौजूद है, और जायफल के कुछ मैंने पीस लिए हैं और कुछ जवत्री के, ठीक है, और टमाटर मेरे पास यहाँ 4 अदद मौजूद है जिसे मैंने रफली काट लिया है, ओके, हरी मिर्चें बड़ी वाली जो मोटी वाली हरी मिर्चें कहलाती हैं ये मैंने 8-10 ली है, इसको भी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा, ठीक है, ऑयल इसके अंदर तकरीबन 1/2 कप से ज्यादा जाएगा, ये 3/4 कप ये मेरे पास ऑयल है, ठीक है, 500 ग्राम यहाँ मेरे पास 1/2 किलो चिकन मौजूद है, और दही मेरे पास यहाँ 150 ग्राम मेरे पास यहाँ दही मौजूद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब रेसिपी का मैं अब ये टिक्का, मैं टिक्का कढ़ाई बना रही हूँ यहाँ, तो मैं आपको टिक्का मसाला बनाने का तरीका भी बताऊंगी। मसाले तो बड़े जबरदस्त उठाए आपने, और ये मसाला जो है ना आप बना के स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, और इस जब भी आप मसाला बना लेंगे तो अपनी रेसिपी के हिसाब से अकॉर्डिंग आपने 2 टेबल स्पून ये मसाला शामिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं यहाँ चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। चिकन पाउडर सच कह रही चाट को, चिकन पाउडर मैंने यहाँ ऐड किया है, फूड कलर हम कलर के लिए ऐड करेंगे, जर्दे का रंग यानी के ये पिंच ऑफ मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये जो बाजार में बनता है वो भी कलर? जी जी, वो भी कलर ऐड करते हैं, ठीक है। अदरक और लहसुन का पाउडर मेरे पास यहाँ मौजूद है, ये मैंने इसमें शामिल किया है, ये अदरक का पाउडर है, पिसी हुई काली मिर्च मैंने इसमें शामिल की है, ओके,
और ये पिंच ऑफ यानी कि व्हाइट पेपर दक्कनी मिर्च बहुत जबरदस्त फायदा है आंखों के लिए, बहुत अच्छी है जी, बहुत अच्छी है। और इससे नजला वगैरह का जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो भी सही हो जाता है। और ये जो मेरे पास हाथ से कुचला हुआ क्रश किया हुआ गरम मसाला है, ये भी हल्का सा भुना हुआ था उसको मैंने क्रश कर दिया जी। ओके एग्जैक्टली सभी इज राइट, चाट मसाला मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ, ये फ्लेवर को बहुत ज्यादा जो है ना अच्छा करता है। ठीक है जी, ये इसमें ऐड कर लिया, यहाँ ये ऐड हो गए। बाकी के मसाले हमारे पास सूखा धनिया, इसमें हम ये इसमें शामिल कर रहे हैं, जायफल जावित्री हमने इसमें शामिल की है, मार्केट वाला पिसा हुआ गरम मसाला हमने इसमें शामिल किया है, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। सॉल्ट मैं यूज करती हूँ इसीलिए मुझे बहुत पसंद है और ये फायदेमंद बहुत है। ओके नेक्स्ट, क्योंकि ये मिनरल्स होते हैं इसके अंदर और जिन चीजों में मिनरल्स ज्यादा हैं वो तो आपको फिर हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होता है। ये दूसरे नमक से बहुत अच्छा था पिंक सॉल्ट, और ये पिसे हुए मिर्च, और ये सब इन्होंने ऐड कर दिया, लाल मिर्च तकरीबन तमाम मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया, और इसको आपने इस तरह से मिक्स करना है, मिक्स कर दिया ताकि ये मिक्स हो गया, जान हो जाए जी फ्लेवर्स। अच्छा जब तक हम ऑयल भी गर्म करने रख देते हैं, ठीक है, ताकि जब तक हम मसाला, अच्छा इसका जो है ना हमें मसाला मैरिनेट करना पड़ता है, ऑयल यहाँ मेरे पास 3/4 कप है, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मैं यहाँ इसे शामिल कर रही हूँ और ये मैंने 3/4 कप ऑयल शामिल कर दिया, ठीक है जी। जब तक ये हमारा ऑयल गर्म होगा तो हम जो है मसाला मैरिनेट कर लेते हैं। अच्छा अब कुकिंग शो में आपको पता है हमारे पास टाइम नहीं होता, अगर आपने घर में क्या करना है, इसको तकरीबन हाफ एन आवर इस मसाले को आपने मैरिनेट करके चिकन में रखना है, और अगर आप ओवर नाइट कर सके या 4 to 5 hours तो ये दही थी मेरे पास, इसको मैंने विस्क करके और मैं इस दही में ये मसाला शामिल करूंगी, ठीक है। और ये मसाला आपका फ्रेश रहता है, अगर आप फ्रिज में रखें, अगर आप बना के रखें तो ये तो इजीएस्ट होगा, इजीएस्ट होगा आपने बनाया। अच्छा दही के लिए जब हम टिक्का कढ़ाई बना रहे होते हैं तो हमें दही थोड़ा खट्टा चाहिए होता है, अच्छा। तो ये दही मेरे पास ऑलरेडी खट्टा मौजूद है, वैसे आज जो सीजन चल रहा है ना आप यकीन करो एक दिन रखो दूसरे दिन खट्टा हो जाता है, लेकिन अगर मीठा दही हो किसी के पास, क्योंकि बहुत सारे लोग घर में दही जमाते हैं तो उनकी दही थोड़ी मीठी होती है, तो उनको चाहिए खट्टे दही के लिए आप इसमें लेमन जूस ऐड कर ले, चलो जी, तो ये खट्टा हो जाएगा। और अगर जिनको मीठा दही जैसे रिक्वायर्ड होता है जब हम कोरमा वगैरह बना रहे होते हैं जी और कोफ्ते बना रहे होते हैं स्पेशली, तो ओके वहां के लिए जो है ना हमें मीठा दही रिक्वायर्ड होता है, तो आप थोड़ा सा दूध शामिल कर लें दही में या थोड़ी सी शुगर शामिल करके उसको विस्क कर लें। ओके ये हो गया हमारे पास डन। अब नेक्स्ट इसमें हमें सिर्फ चिकन ऐड करनी, अब हम इसमें मैक्सिमम अभी से डायरेक्ट आप करोगी या मैं ऐसे डायरेक्ट करूंगी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से आपने इसमें अच्छी तरह से मसाले को ठीक है मसाला yes। अच्छा बहुत सारे लोग इसमें स्मोक का फ्लेवर दे देते हैं जब इसी तरह मसाले को मैरिनेट करते हैं, तो ये आपकी चॉइस है, अगर आप चाहें तो स्मोक का फ्लेवर अभी दे दें और अगर आप चाहें तो एंड में लास्ट में हम इसमें स्मोक का फ्लेवर देंगे। ओके जी नाज़रीन देख रहे हैं शाहिना जबरदस्त। अच्छा इससे हमें पहले ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। अच्छा अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 tablespoon जो मेरे पास मौजूद था, ऑयल बिल्कुल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है और ये मैंने यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट ऑयल में शामिल कर दिया। अच्छा उस्मा जी उसमें कामरान हमारे दरमियान मौजूद है, ऑफकोर्स हम लोग बात करें कि वो खवातीन जिनकी स्किल्स को बहुत जो है वो अहमियत देनी चाहिए अगर अपने मुल्क की तरक्की के लिए सोचना है, क्योंकि छोटे छोटे घरों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या कहते हैं जो लड़कियां सीख के कोर्स करके जाती हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं मैम? देखिए आजकल तो आपको पता है ऑनलाइन कितना ज्यादा फेमस है और अक्सर मेरे घर में भी बच्चे रात को लेट नाइट ऑर्डर वगैरह कर देते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि ये स्किल्स बहुत ज्यादा आजकल जो है करामत है और बहुत बेनिफिशियल भी है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है घर घर, आपको पता है एक किचन खुला हुआ है और बहुत अच्छा साफ सुथरा आपको फूड भी मिल जाता है, तो इस स्किल से बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा सकती हैं हमारी बच्चियां हमारी यूथ। और अगर इनको आगे ऑफ कोर्स कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए एक खास रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस को स्टार्ट, जैसे शाइना से भी अगर इनको कुछ सपोर्ट ना होती इनके हस्बैंड की या अपने किसी भी फैमिली मेंबर्स की, तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तो उसके लिए क्या कहती हैं आप, मतलब कुछ सपोर्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती, पॉसिबल है? देखिए मेरी जो सोच और जो मेरा नजरिया है वो यही है कि आप बेबी स्टेप उठाते हैं किसी भी बिजनेस के लिए तो आप सक्सेसफुल की तरफ गामजन हो जाते हैं, अदरवाइज आप अगर अचानक से ही कोई ऐसा सोचें कि मैं बड़ा सा बिजनेस कर लूं और उसमें सक्सेस हो जाऊं, तो बाय चांस ऐसा होता है, बाय लक ऐसा होता है, बाय लक ऐसा होता भी नहीं है,
तो फर्स्ट स्टेप आपका यही होता है कि आप एक होम शेफ की तरह से स्टार्ट लेते हैं और अपना बिजनेस आगे से आगे ले जाते हैं। अच्छा, ये जो हो हकीकत में बहुत अच्छी बात कही है कि कोई भी काम आप जरूरी नहीं है कि एक बहुत बड़ा अमाउंट लगा के स्टार्ट करें, और जब हुनर आपके हाथ में है तो आप पहले फर्स्ट स्टेप लें। इंशाल्लाह ताला आपकी अगर आपने हिम्मत की तो मेरा रब जरूर उसमें बरकत डालता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी काम आपने जब शाइना स्टार्ट किया था तो ऑफ कोर्स आप सोच रही होंगी कि मैं इसको कैसे शुरू करूं, मुझे क्या इन्वेस्टमेंट की, आपने क्या हिम्मत की है, और लोगों को मोटिवेशनल खवातीन को मैसेज दीजिए। अच्छा, सबसे पहले तो जैसे किसी कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो ऐसे मेरे पीछे जो है ना एक मर्द का हाथ है, क्योंकि मैं एक लेडी हूँ, शादीशुदा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे हैं। तो मैं जब इनिशियली स्टेज थी, जब मैं बच्ची थी, जब मैं बिगनिंग एज में थी, तो मेरे फादर जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, मुझे हर जगह छोड़ना लेना, स्कूल गोइंग से जो है वो कोई कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, कोई टेबलोज हो रहे हैं तो हम जा रहे हैं उसमें पार्ट ले रहे हैं, तो वो हमें जो है ना हमेशा कॉन्फिडेंस देते थे। तो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, उसके बाद मेरे भाई ने, मतलब मेरे पीछे जो है ना सारे मर्द हजरात हैं, मेरी अम्मी स्पेशली हैं वो भी, और मेरी सास, उनका आज 40वां भी है और उनका इंतकाल हुआ है, और वो भी बहुत, क्योंकि जब मैं शुरू में जब जाती थी डिफरेंट शोज पे और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाती थी, 4 to 5 hours हमें देने होते थे, तो मेरी सास जो है वो मेरे बच्चों को, छोटे बच्चे थे जाहिर सी बात है, तो वो दोनों को कैरी करती थी, उनको रखती थी, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और वो उन्हें ख्याल करती थी। फिर आ जाती है मेरे हस्बैंड की बात, तो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट करी, मुझे पिक एंड ड्रॉप देनी, मुझे जाना, मुझे परमिशन देनी, क्योंकि जब तक आपके हस्बैंड की परमिशन नहीं होती तो आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, मैं सारी बातों में एक बात समझ में आई है कि पैसा तो आ ही जाता है, लेकिन मेन औरत के लिए ये जो चार रूप है ना मर्द के, अगर वो किसी भी सूरत में सपोर्ट के लिए खड़े हों और उनको बकअप करें तो वो औरत स्टैंड ओवर हो जाती है फाइनेंशियली भी। और वैसे है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, सबसे पहले आते हैं आपकी लाइफ में आपके वालिद, जो आपके लिए एक रोल मॉडल होते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। सेकंड आपके भाई, फिर थर्ड स्टेप पे आते हैं आपके हस्बैंड। लाइफ में हस्बैंड कॉपरेटिव होंगे तो आप इन फ्यूचर, क्योंकि सारी जिंदगी हस्बैंड के साथ रहना होता है, तो इन फ्यूचर आपका हस्बैंड अगर बाय चांस अच्छा है तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी अपने भाइयों से कि अपनी घर की खवातीन को, अपने घर की बच्चियों को, अपने घर की बहनों को प्रमोट करें, उनकी हौसला अफजाई करें, क्योंकि हमारा मुआशरा अभी भी, हमारा मुल्क अभी भी काफ़ी ममालिक से बहुत पीछे है। तो यही सपोर्ट, यही एजुकेशन, यही स्किल्स आने वाली हमारी जो नई नस्ल है, इनमें हमारी यूथ है, बच्चियां हैं, वो प्रमोट होंगी और हमारा मुल्क और हमारा आने वाला मुस्तकबिल सिक्योर होगा और इनकी बहाली होगी। क्या बात है मैम, आपने सारा मैसेज खुद ही दे दिया, दोबारा कहने की जरूरत नहीं। आपका आने का बहुत शुक्रिया। एक और हम आपके साथ सेगमेंट करेंगे इंशाल्लाह, और मैम को भी लेकर आइएगा, गजाला मैम को, तो नेक्स्ट फ्राइडे को फिर मुलाकात होती है, ठीक है जी। अच्छा जी नाज़रीन, आप लोगों ने अभी कहीं नहीं जाना, एक ब्रेक लेते हैं। शाइना अभी कुकिंग करी, आखिर में उनकी डिश भी पूछ लेंगे उन्होंने कहाँ तक कम्प्लीट की है, और लेट्स सी, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से जब आप ब्रेक की तरफ जाइएगा, क्योंकि उसके बाद एक हेल्थ सेगमेंट है, और आपको पता है हर्बलिस्ट अस्करी साहब मौजूद होते हैं, उनका एक स्पेशल पैकेज भी है, लेट्स सी वो भी देखें, और यहाँ लेते हैं ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। मसीउल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलकाए बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंघम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीउल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार विस्ट्रेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजिकुल हिंद यानी तबीई स्कॉलर ऑफ इंडिया। हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के परपोते तबीब शाही अमायदीन सल्तनत ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद, वाली रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचरपैथिक, आयुर्वेदिक,
यूनानी और तिब्बे नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी।